चलो इस एंगल ऑफ डिप की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होएगी एट अ डिफरेंट लोकेशन ऑफ अर्थ। जे असी आ लाइन नु लेके चलिए आ मेरी एस एच इक्वेटर की लाइन होएगी ये सारे का सारा सा डिप सर्कल जिहड़ा हैगा ये इंस्ट्रूमेंट साडा एस एच इस मूवमेंट के उत्ते मैग्नेटिक मरीडियन च पिया वा ठीक है। यानी जिहड़ा आ वर्टिकल प्लेन आ इस वर्टिकल प्लेन दे विच डिप सर्कल पिया और इहदे अक्रॉस इस मूवमेंट ते आ लाइन मैग्नेटिक इक्वेटर की लाइन होएगी मैग्नेटिक इक्वेटर दे परपेंडिकुलर आ मैग्नेटिक पोल की लाइन होएगी। ते ओ कहिंदा जी जदों ऐसा तो तुसी अर्थ की किसी उस लोकेशन पे हो जिहड़े अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर ते आंदे आ जिन्नियां भी डिफरेंट लोकेशनस ने ठीक है अर्थ के उत्ते जिहड़ियां आ सारे पॉइंट्स जिन्हें ज्वाइन करते हो गए ठीक है ये मैग्नेटिक इक्वेटर की लाइन है। मैग्नेटिक इक्वेटर के उत्ते डेल्टा की वैल्यू जीरो आ ते जे एस एच नीडल मेरी इस वे ना आ वर्टिकल स्टेट च इस वे ना रेस्ट च आंदी होवे यानी आ लाइन दे नाल अलाइन हुंदी होवे ते एंगल ऑफ डिप दी वैल्यू जिहड़ी उस मूवमेंट दे ओ मेरी 90 आ इहदा मतलब जे असी ऑन दा कहिंदा जी मैग्नेटिक इक्वेटर होवांगे ठीक है जे असी मैग्नेटिक पोल ते होवांगे ते जे असी एस एच बिटवीन इक्वेटर एंड पोल होवांगे जिदा मैग्नेटिक पोल दी गल करां बेटे अर्थ का मैग्नेटिक पोल असं मानते कि भी थोड़े को एस एच कहना जी नॉर्थ कैनेडा के लाई करता और ओपोजिट पोल अंटार्कटिका च लाई करता यदा मतलब यह हो गया जे असी किसी लोकेशन पर होवे पोल वाली उत्थे कंपस नीडल मैं रख के देखा ठीक है उस लोकेशन के उत्ते नीडल मेरी वर्टिकल स्टैंड करेगी मतलब एंगल ऑफ डिप 90 बनाएगी तो जे मैं मैग्नेटिक इक्वेटर के उत्ते किसी कहना जी लोकेशन अर्थ के उत्ते होवगा तो उदो मेरे डेल्टा की वैल्यू जीरो होएगी ते जे मैं इक्वेटर तो पोल दे इन बिटवीन किसी भी अर्थ की होर लोकेशन पे होवांगा उत्ते डेल्टा की वैल्यू कहना जी मेरे को एस एच 0 टू 90 दे इन बिटवीन कुछ आएगी इनी गल समय लगदी पई यस सर गल कीती सीगी ठीक है कि भी एस एच जे अर्थ दे मैग्नेटिक फील्ड दी रिजल्टेंट वैल्यू नु सी स्प्लिट कर दिए मैं परसों वाला टॉपिक सारे एक तरह दोबारा दसदा पे बेटा ठीक है ये कंटिन्यूटी ही होना ये मतलब जे मैं आ लाइन पे लॉन्ग इधर कंपोनेंट बनावा इधर से कहने दा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पर आ लाइन पे इधर वर्टिकल है तो सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉस डेल्टा ते वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन डेल्टा डिफाइन कर देते और ये दोनों ने दोनों कंपोनेंट जेड़े आ ये अर्थ दे मैग्नेटिक फील्ड दे कंपोनेंट मैग्नेटिक मरीडियन च यानी जेड़ा अर्थ का आ वर्टिकल प्लेन होएगा इहदे अक्रॉस मेरे दोनों कंपोनेंट आ और इहदे अक्रॉस असीं फिर उस दिन कैलकुलेट कीता सी जे दोनों नूं डिवाइड कर लईए ते v / h दी वैल्यू मेरी tan डेल्टा आ जाएगी यानी आ मेरे कोल अर्थ दे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ते एंगल ऑफ डिप नूं लिंक करदा ते हुण जिहड़े ये सारे पॉइंट्स आ इहदे नाल ही कोने एक्स्ट्रा होर पॉइंट दित्ता होर पॉइंट क्या दित्ता ओह कहिंदा जी इफ इफ वी अज्यूम a vertical plane which is rotated through an angle theta with respect to magnetic meridian utte jo line boli oda matlab kada de keh rahe hai ki apa eh assume karan lage ki ek vertical plane hor hega mere kol other than magnetic meridian par oh vertical plane magnetic meridian to theta angle te rotate karke aaya matlab je hun aa jinu apa geographic meridian keh rahe si hune geographic meridian hi len lage ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਇਸ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਵਾਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਰੀਡੀਅਨ ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪਲੇਨ ਸੀਗਾ ਆ ਮੇਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਰੀਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਬੈਕ ਪੇਜ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਰੀਡੀਅਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਪਲੇਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਰੀਡੀਅਨ ਬਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਨ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਰੀਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਯੈਸ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ b b'c' ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਨ ਬਣ ਜੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਵਾ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਰੀਡੀਅਨ ਚ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਚ ਹੋਏਗਾ
ठीक है, तो न्यू वर्टिकल प्लेन के अंदर जो एपरेंट एंगल ऑफ डिप बनेगा, जो न्यू एंगल ऑफ डिप बनेगा ओदे लई असी एस एच की कहने पे तुसी एच नू स्प्लिट कर दियो। तुसी आ वाले एस एच कहना जी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आता पे जे इनू मैं स्प्लिट कर लवा जे मैं इस कंपोनेंट नू स्प्लिट कर लवा इस एंगल थीटा दे बिहाव ते इहदा एक कंपोनेंट मेरा इस लाइन ते आ जाऊ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਸ ਐਚ ਇਹਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾ, ਆਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਲੇਨ ਇਸੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਆਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਤੇ ਆਹ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਨਵਾਂ ਪਲੇਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਲੇਨ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਐਚ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ, ਐਚ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਐਚ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਚ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. और जेड़ा एदा कंपोनेंट मेरा इस लाइन ते आएगा है ना, वो सेम मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ही रह गया। एदा मतलब इस तर इधर बनने वाले कंपोनेंट नू इधर बनने वाले कंपोनेंट नू असी वी ही लिखते पे हैं। ते फिर जे आ नवे जेड़े दो चीजा मेरे बन के आ रही जे इना दे अकॉर्डिंगली मैं फिर दोबारा कहना जी एस एच कंपोनेंट डिफाइन करके चल रहे हैं ते उदो जेड़ा एंगल ऑफ डिप होएगा, मैं फिर लाइन रिपीट कर रहा, ਆ ਆਰ ਨੇ ਐਸ ਐਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਘੁਮਾਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੈਲਟਾ ਡੈਸ਼ ਆ ਜੂ। ਕਿਆ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਏ ਬੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ। ਤੇ ਜੇ ਏ ਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਏ ਬੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਮੇਰੀ ਬੀ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਲੇਨ ਨੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਵਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੀਟਾ